जम्मू कश्मीर में सेना को बड़ी सफलता मिली है। पुंछ से खबर है, सेना के चार आतंकियों को सेना ने यहां पर चार आतंकियों को ढेर किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पुंछ में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। कल रात से आतंकियों के साथ मुठभेड़ भी चल रही है और एक बड़ी सफलता यहां पर सुरक्षा बलों को मिली है। चार आतंकियों को मार गिराया गया है। तो जम्मू कश्मीर में सेना को बड़ी सफलता, चार आतंकियों को सेना ने पुंछ में ढेर किया। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी लगातार। कल रात से आतंकियों के साथ एनकाउंटर हो रहा था, जिसमें अभी जानकारी मिल रही है कि बड़ी सफलता हाथ लगी है। सेना को चार आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। तो ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 के तहत ये पूरी कार्रवाई की जा रही है और इसका असर भी अब देखने को मिलने लगा है। कल रात से ही ये मुठभेड़ लगातार जारी है और अब भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ऐसी आशंका है कि कुछ आतंकी अभी भी घाटी में छिपे हो सकते हैं। फिलहाल ये बड़ी कामयाबी, चार आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। रजत वोरा लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं। रजत, कल रात से ये एनकाउंटर आतंकियों के साथ जारी था, आखिरकार सेना को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। रजत जी, बिल्कुल, साफ तौर पर एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है। आपको बता दें कल देर शाम ये एनकाउंटर जो है वो सुरनकोट के, पुंछ जिले के सुरनकोट के सिंधारा इलाके में हुआ था और यहीं पर इन्हीं जंगलों में एनकाउंटर जो है वो कल तक था और एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को आज तड़के मिली है। चार आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है और जिस तरह की जानकारी है ये चारों फॉरेन टेररिस्ट बताए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि पिछले काफी समय से आतंकियों की जो तलाश है वो सुरक्षा बलों को थी। आपको बता दें कि अक्टूबर 2021 से बट्टा दोड़िया में जो बड़ा आतंकी हमला हुआ था, तब से ही लगातार सुरक्षा बलों को ये उम्मीद थी कि बड़ी कामयाबी जरूर मिलेगी और लगातार तभी से ऑपरेशन जो है वो अलग अलग जगहों पर चलाए जा रहे थे। खासतौर पर आपको बता दें कि जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस को लगातार जो इनपुट्स मिल रहे थे उसके मुताबिक इन्हीं इलाकों में कुछ फॉरेन टेररिस्ट जो है वो पिछले काफी समय से एक्टिव थे, जिन्होंने डांगरी हमला किया। उसके अलावा कंडी में जो सिक्योरिटी फोर्सेस पर आतंकी हमला हुआ जिसमें 5 जवान शहीद हुए थे, उसके बाद भी लगातार सुरक्षा बलों को जो है वो इनपुट्स थे कि इसी इलाके में आतंकी छुपे हैं। और अभी भी लगातार आपको बता दें कि सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बलों का जो है वो जारी है और इन इलाकों में लगातार जो कोशिश है वो सुरक्षा बलों की जा रही है कि कहीं और टेररिस्ट जो है वो कहीं यहां पर ना छुपे हो, इसलिए पूरे इलाके को पहले सैनिटाइज जो है वो यहां पर किया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर निगरानी जो है वो रखी जा रही है। बहुत बड़ी कामयाबी, क्योंकि आपको बता दें कि 2021 से ही लगातार इन आतंकियों की तलाश थी, क्योंकि पिछले काफी समय से लगातार एक्टिव थे और 20 से ज्यादा जवानों की शहादत के पीछे ये जिम्मेदार थे। और बताया ये जा रहा है कि चारों फॉरेन टेररिस्ट जो हैं वो इलाके में एक्टिव होकर पहले हमला करते थे और उसके बाद इन इलाकों में छुप जाते थे। और सिक्योरिटी फोर्सेस को कल जब इस तरह की जानकारी मिली इन इलाकों छुपे बैठे हैं, उसके बाद सुरक्षा बलों ने एक स्पेसिफिक इनपुट के बाद यहां पर बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया और उसके बाद सुरक्षा बलों को आज तड़के एक बड़ी कामयाबी जो है वो और अभी भी यहां पर जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। रजत, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि लगातार हम दो तस्वीरों के जरिए दर्शकों तक हर एक अपडेट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर अपडेट दे दें कि पुंछ में चार आतंकियों का खात्मा किया गया है। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत ये बड़ी कामयाबी मिली है और अब भी ऑपरेशन जारी है। सर्च ऑपरेशन एक तरफ चल रहा है क्योंकि अभी भी आशंका की घाटी में कुछ और आतंकी छिपे हो सकते हैं। रजत, क्या इन आतंकियों का किसी संगठन के साथ कोई कनेक्शन अभी तक सामने आया है और इनकी बॉडीज को क्या अभी तक बरामद कर लिया गया है, कोई जानकारी इसको लेकर? जी, अभी फिलहाल के लिए इस तरह की कोई जानकारी नहीं है, बट क्योंकि लगातार आपको बता दें कि जैश का एक ऑफशूट PFF यानी कि पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट जो है वो पिछले काफी समय से इन इलाकों में एक्टिव था और पिछले 2 सालों में जितने भी हमले हुए हैं उसकी जिम्मेदारी PFF ने ही ली थी, जिसके बाद उसने वीडियोज जारी करके कहा था कि हम लगातार इन इलाकों में छुपे हुए हैं। और यहां से आपको बता दें कि 200 से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर्स और स्थानीय लोगों को यहां पर डिटेन किया गया था, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही थी और उसी के बाद स्पेसिफिक इनपुट के आधार पर ये ऑपरेशन भी जो है वो चलाया गया है। आपको बता दें कि ये वही आतंकी जो है वो बताए जा रहे हैं जिन्होंने बट्टा दूड़िया में अक्टूबर 2021 में जवानों की शहादत के पीछे जिनका हाथ था। इसके अलावा कंडी इलाके में, डांगरी इलाके में जो शहीद, जो मासूम लोगों की जान चली गई या उसमें भी इन्हीं लोगों का हाथ जो है वो बताया जा रहा है। और अगर ये वही आतंकी है तो एक बहुत बड़ी कामयाबी। ऑपरेशन त्रिनेत्र पार्ट 1 जो है वो कंडी इलाके में जो है वो किया गया था, जिसमें कि एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था, पर उसमें 5 हमारे सेना के जवान जो है वो शहीद हुए।
हुए थे, उसके बाद ही लगातार बदला लेने के लिए सुरक्षा बल जो है वो बिल्कुल रजत आप लगातार ग्राउंड पर डटे हुए। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जी न्यूज दिखा रहा है ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत, ये सेना को एक बड़ी सफलता है हम कह सकते हैं। चार आतंकियों को जो इनपुट्स आ रहे हैं इस वक्त ग्राउंड से, चार आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। कुछ और अपडेट्स आएंगे, हम लौटेंगे सीधे रजत वोरा के पास जो कि पुंछ से रिपोर्ट कर रहे हैं। शुक्रिया रजत। Z News.